आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस सीखेंगे और इन्हें हम कैसे बनाएंगे ये भी देखेंगे। देखें, आप अक्सर कहते हैं कि मैं मुकम्मल नाउम्मीद हूँ, या मुझे नाउम्मीदी ही नाउम्मीदी है, या आप ऐसे भी कहते हो कि मैं नाउम्मीदी से भरा हुआ हूँ। जब कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स हों, नेगेटिव इमोशंस हों जो आपके ऊपर गालिब आ जाएँ, आप मुकम्मल उन इमोशंस और फीलिंग्स में डूबे हुए हों, तब आप ये सेंटेंसेस बोलते हैं कि मैं नाउम्मीदी से भरा हुआ हूँ या मैं खौफ से भरा हुआ हूँ। जब ऐसे सेंटेंसेस बोलेंगे ना आप, तब आप इसे ऐसे बनाएंगे, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के बाद अगर प्रेजेंट का होगा सेंटेंस तो इज एम आर यूज़ कीजिएगा, और अगर पास्ट का सेंटेंस हो तो वॉज वर यूज़ कीजिएगा। और उसके बाद आप कहेंगे फ्रॉट विद के बाद आप यूज़ करेंगे वो इमोशन, वो फीलिंग जिसमें आप इस वक्त डूबे हुए हैं, जो आप पर बिल्कुल गालिब आ चुकी है। ठीक है, आप फुल ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फुल ऑफ हम बेसिकली यूज़ करते हैं फिजिकल चीज़ों के लिए, जैसे कि कप चाय से भरा हुआ है या ग्लास जो है वो पानी से भरा हुआ है। जब कोई फिजिकल चीज़ हो तब आप फुल ऑफ यूज़ कीजिए, और जब इमोशंस या फीलिंग्स हो, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस फीलिंग हो, तब आप फ्रॉड विद यूज़ कीजिए। सेंटेंस देखें, मैं मुकम्मल नाउम्मीद हूँ, या मुझे बस नाउम्मीदी ही नाउम्मीदी है, या मैं नाउम्मीदी से भरा हुआ हूँ। तो आप कहोगे आई एम, प्रेजेंट का इसलिए एम आएगा, आई एम फ्रॉड विद डिसअपॉइंटमेंट। एक और सेंटेंस देखें, मैं इस वक्त खौफ से भरा हुआ हूँ, या मुझे बस खौफ ही खौफ है, यानी डर ही डर है, मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही फीलिंग्स और इमोशन है जो के है डर। तो आप कहोगे आई एम फ्रॉड विद फियर राइट नाउ, आई के बाद आया एम, फिर फ्रॉड विद, फिर फियर खौफ के लिए राइट नाउ, आई एम फ्रॉड विद फियर राइट नाउ। एक और सेंटेंस देखें, वो तो कल गुस्से से भरा हुआ था, यानी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अब ये पास्ट का सेंटेंस है, तो आप कहोगे ही के साथ आएगा वॉज, ही वॉज फ्रॉट विद एंगर यस्टरडे, पास्ट का है इसलिए वॉज आया। एक और सेंटेंस देखें, तुम्हारी बात ना बुक से भरी हुई है, कीने से भरी हुई है, यानी तुम्हारी बात में ना नफरत ही नफरत है, बुराई ही बुराई है। अब आप कहोगे योर स्पीच, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी बात, योर स्पीच पास्ट है तो वॉज आ गया, योर स्पीच वॉज फ्रॉट विद मैलिस। मैलिस हम बुक्स को कहते हैं, नफरत को कहते हैं, या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो भी अल्फाज इस्तेमाल करें उसके लिए यूज़ करते हैं। योर स्पीच वॉज फ्रॉट विद मैलिस। एक और सेंटेंस देखें, उसका लहजा हैरत से भरा हुआ था, यानी उसे जो है बहुत ज़्यादा हैरानगी थी, वो ये सुनकर हैरत से भरपूर थी। उसका लहजा हैरत से लबरेज था या हैरत से भरा हुआ था, तब आप कहोगे हर एक्सेंट वॉज फ्रॉट विद सरप्राइज, यानी वो मुकम्मल तौर पर हैरान थी, हैरत से भरी हुई थी, हैरत से लबरेज थी, तो आप कहोगे हर एक्सेंट वॉज फ्रॉट विद सरप्राइज। एक लास्ट सेंटेंस देखें, आपका ख्याल, आपका आइडिया शक से भरा हुआ था, यानी आपने जकल जो आइडिया शेयर किया था ना, उसमें शक ही शक था, तो मैं कहूँगी योर आइडिया वॉज फ्रॉट विद डाउट। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, उसकी आवाज़ दर्द से भरी हुई थी, यानी उस वक्त वो बहुत दर्द में था, बहुत पेन में था, बहुत तकलीफ में था, तो उसके लहजे में, उसकी आवाज़ में दर्द ही दर्द था, उसकी आवाज़ दर्द से भरी हुई थी। अब ये सेंटेंस आप बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, और जब आप पर कोई इमोशन या फीलिंग गालिब आ जाए और आप मुकम्मल तौर पर उसमें डूबे हुए हों, तब आप फ्रॉड विद यूज़ कर ये सेंटेंसेस बनाएंगे। फुल ऑफ फिजिकल चीज़ों के लिए यूज़ कीजिएगा, फ्रॉड विद इमोशंस और फीलिंग्स के लिए, और स्पेशली नेगेटिव इमोशंस फीलिंग्स हों उसके लिए यूज़ कीजिएगा। इन सेंटेंसेस को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।